सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक 5mm की जो एलईडी की ब्राइटनेस है वो हम अपनी एंड्रॉइड फोन से कंट्रोल करने वाले हैं। तो गाइस, आज मैं जो 5mm की एलईडी है उससे कंट्रोल कर दिखाऊंगा। लेकिन गाइस, आज यहाँ पर कोई ऐसी बल्ब की ब्राइटनेस नहीं कंट्रोल कर दिखाऊंगा, क्योंकि गाइस वो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो कंपाउंड यहाँ पर चाहिए तो वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए आज मैं जो 5mm की जो एलईडी है उससे मैं जो ट्रायल वीडियो मैं आपको दूंगा। उसके बाद किसी और दिन जब मेरे पास कंपाउंड अवेलेबल होगा तब मैं आपको ऐसी बल्ब की भी ब्राइटनेस कंट्रोल कर दिखाऊंगा, वो भी एंड्रॉइड फोन से, ठीक है। तो गाइस, इसलिए बिना कोई देर करते आज की जो प्रोजेक्ट कर लेते हैं। और आपकी इस प्रोजेक्ट रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत हो, आपको कोई सवाल हो, तो गाइस आप हमें जरूर यहाँ पर कॉल कर सकते हो, या तो हमारे जो बहुत सारे सोशल मीडिया लिंक्स हैं, फेसबुक पेज, यहाँ पर टेलीग्राम, सब कुछ है। तो गाइस, आप वहाँ पर जाकर हमारे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, अगर आपको आपके मन में कुछ भी डाउट हो इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड, ठीक है, तो गाइस चलिए जो प्रोजेक्ट है वो कर लेते हैं। तो गाइस, इस प्रोजेक्ट के लिए हमारा जो मेन चीज़ है, हमारा मेन यहाँ पर जो प्रोजेक्ट का ब्रेन होगा यहाँ पर आर्डिनो यूनो। तो गाइस, ये हमारा आर्डिनो यूनो, तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद हमें चाहिए एक AC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल। तो गाइस, ये हमारा AC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल। तो गाइस, इसमें 6 पिन होता है। तो गाइस, इनेबल टाटास 5V ग्राउंड TX और RX। तो गाइस, यहाँ पर जो इनेबल और टाटास पिन हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ TX, RX, 5V और ग्राउंड, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर आउटपुट लेने के लिए, तो गाइस हमें यहाँ पर जो 5mm की जो LED है, तो गाइस देखिए यहाँ पर मेरे पास एक वाइट LED है। तो गाइस, आज हम इसी की ब्राइटनेस को कंट्रोल करने वाले हैं, ठीक है, फोन से। तो गाइस ये रहा। तो गाइस, सिंपल वायरिंग है। तो गाइस, आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है इसके लिए हमें 5V देना होगा। तो गाइस, सिंपली हमें क्या करना है, इसकी जो 5V को आर्डिनो की 5V में और ब्लूटूथ मॉड्यूल की जो मॉड्यूल की जो ग्राउंड है उसकी आर्डिनो की ग्राउंड में इस तरीके से लगा लेना है। उसके बाद गाइस, यहाँ पर जो TX और RX है, सिंपली आपको क्या करना है, आपको जो ब्लूटूथ मॉड्यूल की जो TX है उसको आर्डिनो की RX में लगाना है, जो ब्लूटूथ मॉड्यूल की जो RX है उसको आर्डिनो के TX में लगाना है, सिंपली कर लेना है, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट का कोई डायग्राम आपको नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान है। गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो BT मॉड्यूल, यहाँ पर जो आर्डिनो का यहाँ पर वायरिंग हो चुकी है। उसके बाद हमें सिंपली आउटपुट लेने के लिए हमें आर्डिनो की ध्यान से आपको एक काम करना है, आपको आर्डिनो की किसी पिन से नहीं लेना है, आपको आर्डिनो की जिस पिन से आपको PWM पास आउटपुट मिलेगा गाइस, आपको उसी से लेना होगा। तो गाइस देखिए, यहाँ पर जो पिन नंबर 3, पिन नंबर 5, पिन नंबर 6, पिन नंबर 9 और पिन नंबर 11 और पिन नंबर 10, जो एफ जो पिन है इसमें हमें PWM पल्स मिलता है, ठीक है। तो गाइस, हमें उसी पिन पे हमें यहाँ पर आउटपुट के लिए लेना है। तो गाइस, सिंपली यहाँ पर जो नाइन पिन है आर्डिनो की, जो 9 नंबर पिन है, तो गाइस उसमें मैं यहाँ पर जो LED की प्लस और जो ग्राउंड है आर्डिनो की ग्राउंड में लगा लेता हूँ। तो गाइस लीजिए, हमारा यहाँ पर वायरिंग हो चुकी है ख़त्म। तो गाइस, यहाँ पर जो कोडिंग है हम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए सिंपली हमारा जो बी टाइप पोर्ट है उसको हम आर्डिनो के अंदर प्लग करेंगे। तो गाइस, सिंपली कोड को अपलोड करने के लिए मैं यहाँ पर जो हमारा जो आर्डिनो आईडी है उसको ओपन करूँगा। तो गाइस, उसके बाद देखिए हमारा कोड। तो गाइस, इस कोड को आपको एक बार ध्यान से देख लेना है और ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइस, सिंपली चलिए हमारे जो टूल में जाके यहाँ पर हमारा जो बोर्ड है पहले से सिलेक्ट है, यहाँ पर पोर्ट भी सिलेक्ट है, सब कुछ हमारे ठीक है। तो इसलिए हमारा जो कोड है उसको मैं अपनी जो आर्डिनो आईडी है उसमें यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। तो गाइस, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो कोड है यहाँ पर अपलोड नहीं हो रहा है। तो गाइस, आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है, जब आप आर्डिनो के अंदर कोड आप अपलोड करो, तो गाइस आप यहाँ पर जो AC05 का जो TX और RX पिन है, तो गाइस आपको निकल देना है, नहीं तो गाइस आपको AC05 पे पार नहीं देना है, नहीं तो आपको कोड अपलोड करने से दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो गाइस, मेरे वही दिक्कत हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर देखिए कोड अपलोड नहीं हो रहा है, बहुत देर हो चुका है। तो गाइस, यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पर जो TX और RX में इसको मैं निकाल दूँ, उसके बाद देखना यहाँ पर जो कोड है वो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो गाइस, आप देखिए यहाँ पर मैंने जो TX RX में हटा दिया, तो गाइस देखना यहाँ पर जो कोड हमारा जो कोड है सिंपली यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। तो गाइस देखिए, यहाँ पर अपलोड हो गया, ठीक है।
तो गाइस आपको इसी का ध्यान रखना है जब आप यहाँ पर कोड अपलोड करो, तो गाइस आपको जो ब्लूटूथ पैनल है ACG5 उसका जो TX सर्किट को हटा देना है, ठीक है, नहीं तो आपको STK500 का एरर आ सकता है, ठीक है। तो गाइस इसलिए देख लेते हैं, हमारा टेस्ट कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर जो पावर काट कर दिया था ACG5 का, इसीलिए हमारा कोड अपलोड हो पाई है, नहीं तो यहाँ पर दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो गाइस चलिए आप यहाँ पर, तो गाइस आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ, तो गाइस यहाँ पर फ़ोन से कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर आपको एक ऐप चाहिए। तो गाइस वो ऐप मैंने पहले यहाँ पर बिल्ड कर लिया था MIT ऐप इन्वर्टर पे, मैंने आपको नहीं दिखाया। तो गाइस वो भी वो ऐप का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो गाइस जाकर डाउनलोड करके सिंपली आप इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। तो गाइस चलिए आप यहाँ पर हमारा जो ACG5 है उसको, हमारा जो फ़ोन है उसके साथ यहाँ पर पेयर कर लेते हैं। तो गाइस सिंपली आपको अपनी फ़ोन के ब्लूटूथ को ऑन कर लेना है। तो गाइस हमने ऑन कर लिया, उसके बाद यहाँ पर आपको एक नया डिवाइस दिखाई देगा। देखिए गाइस ये रहा हमारा ACG5, ठीक है। तो गाइस आपको यहाँ पर फर्स्ट टाइम पेयर करने से पहले आपको यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड देना पड़ता है। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड यहाँ पर 1 2 3 4 आपको ये पासवर्ड देना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर पेयर स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर पेयर हो गया, उसके बाद हमें हमारा APK चाहिए। तो गाइस वो मैंने बताया, वो गाइस वो ऐप का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो गाइस ये रहा हमारा ऐप, तो गाइस आपको टिक्स दिखाता हूँ। तो गाइस देखिए, तो गाइस LED डिमर, ठीक है। तो गाइस इसको ओपन कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर देखिए कनेक्ट टू ब्लूटूथ, उसके बाद ऊपर है ACG5। तो गाइस कनेक्टिंग हो रहा है, तो गाइस कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक फीचर भी यहाँ पर लगाया है LED ऑन ऑफ का। उसके बाद यहाँ पर ये जो यहाँ पर स्लाइडर है इससे आप यहाँ पर LED की जो ब्राइटनेस है वो कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस पहले मैं सिंपली यहाँ पर देखता हूँ हमारा काम कर रहा है नहीं कि, यहाँ पर ऑन करता हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ पर जो LED यहाँ पर ऑन हो रहा है, यहाँ पर देखिए ऑफ हो रहा है, फिर से ऑन हो गया, फिर से ऑफ हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो स्लाइडर है इसको धीरे धीरे आप घटाइए या तो आप बढ़ाइए, ठीक है। अरे यार सिंपली यहाँ पर ऑन कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पर घटाइए, देखिए यहाँ पर LED बुझ गया, ठीक है। उसके बाद आप स्लाइडर को फिर से धीरे धीरे बढ़ाइए, तो कैसे आप यहाँ पर देखते हो हमारा जो यहाँ पर जो ब्राइटनेस कंट्रोल है वो बहुत ही शानदार काम कर रहा है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बहुत सारे LED को कनेक्ट करके दिखाता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो ब्राइटनेस जो स्टूडियो लाइट का ब्राइटनेस है बहुत वो भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर बहुत सारे LED को कनेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो मैंने बहुत सारे LED को यहाँ पर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो गाइस इसलिए इसको हम 9 नंबर पिन से आउटपुट लेते हैं इसके लिए, ठीक है। चलिए आप देख लेते हैं हमारा काम यहाँ पर कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ऑन हो रहा है, देखिए चलिए, तो ऐसे आपको अंधेरा करके दिखाता हूँ, तभी आपको आपको और भी आपको समझ में आ गया, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है। तो गाइस जैसा कि देख सकते हो हमारा जो प्रोजेक्ट है बहुत ही शानदार काम कर रहा है। तो गाइस ऐसे ही सिंपल प्रोजेक्ट पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर लेना, और गाइस अगर आपको इस वीडियो को पसंद आई तो मतलब आपको इंफॉर्मेटिव लगी तो गाइस आप ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। तो गाइस चलिए मिलते हैं और एक नए प्रोजेक्ट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।